नोएडा सेक्टर 32 और सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास मौजूदा लॉजिक्स मॉल की एक दुकान में शुक्रवार को लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग की वजह से पूरे मॉल धुआं धुआं हो गया, जिसके बाद लोग बाहर की तरफ भागने लगे। इस हादसे की खबर तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर विभाग की 10 गाड़ियों और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाना शुरू किया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल विभाग के मुताबिक पहले 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, बाद में 5 और गाड़ियों को बुलवाया गया। आग लगने की यह घटना सुबह 11:33 पर हुई। जानकारी के मुताबिक मॉल में एक शोरूम के अंदर एसी में आग लग गई थी। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ और सभी लोग सुरक्षित हैं। लॉजिक्स मॉल के अंदर की तस्वीरें डरा देने वाली हैं। जहां शॉपिंग के लिए लोगों का हुजूम होता था, वहां पर सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। जैसे ही आग लगी, मॉल में अफरा तफरी मच गई। शॉपिंग कर रहे लोग इधर उधर भागने लगे। हर तरफ भगदड़ का माहौल था। गनीमत यह रही कि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया और किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ।